सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए। दोनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो रो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। आज का पंचांग 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 10 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र रात्रि 10:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:35 से 9:14 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर शाम 4:54 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। वृश्चिक राशि 19 जुलाई 2021 दिन सोमवार। आपके अध्यापक या सलाहकार आपकी मेहनत को नोटिस कर रहे हैं। आपके नेतृत्व के गुणों और प्रभावों को भी पहचान मिल रही है। इस पल की रोशनी का मजा लें, उस रिश्ते को समाप्त करें जो काम नहीं कर रहा है। यात्रा आपके दिल के दर्द के लिए एक उपाय हो सकता है। नवीन आरंभ करने के लिए आज का दिन उत्कृष्ट है। अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करें। आप बेचैन हो सकती हैं, किंतु इसे हावी न होने दें। एक स्थिर मन आपको सफलता के शिखर पर पहुंचने में मदद करेगा। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद कहती है कि एक बार और कोशिश करो। आपके किसी सराहनीय कार्य की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की घर और समाज में प्रशंसा रहेगी। व्यस्तता के बावजूद आप अपने रुचि संबंधित कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगी। विद्यार्थियों का कोई प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो सकता है। जितना ध्यान देकर आप काम करेंगे उतनी अधिक जानकारी काम से संबंधित आप प्राप्त करने की वजह से काम में पारंगत कम वक्त में हो सकती हैं। नए सिरे से सीखे नए काम का उपयोग आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए किस तरह से किया जाएगा, इस बात पर अधिक ध्यान होगा। अपने अंदर के कला गुणों को ढूंढने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। विद्यार्थियों को करियर की शुरुआत करते समय या करियर का चुनाव करते समय अधिक बेचैनी महसूस हो सकती है। रिलेशनशिप से संबंधित बातों में धीरे धीरे बदलाव लाने की कोशिश करें। पार्टनर पर टिप्पणी करने से परहेज रखना होगा। सावधानियां। नकारात्मक गतिविधियां जैसे लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि में समय नष्ट ना करें। इस समय बहुत ही नुकसान होने की स्थिति बन रही है। किसी के साथ व्यर्थ में उलझना भी आपको अपयश दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपनी बेजान जिंदगी में चाहत का रंग भरने के लिए अपने व्यक्तित्व के साथ साथ अपनी सूरत पर भी ध्यान दें। रोमांसमय समस्याओं को आपसे तालमेल से दूर कर सकते हैं। काम में बहुत से वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रभावित होंगे। अपने साथी के साथ समय बिताएं और एक नई शुरुआत करें। इससे आपकी चाहत को एक नया मोड़ मिलेगा और आपका संबंध गहरा होगा। रोमांस को बढ़ाने के लिए अपने साथी के लिए प्रेम संदेश भेजना भी बेहतरीन विचार है। अपने दिल के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी अच्छी खबर मिलने वाली है। बात करते हैं करियर की। अतिरिक्त आजीविका के लिए आज कुछ अलग करने की जरूरत है। अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बाद आप जीवन की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आज अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्राथमिकता दें। आज आपके नक्षत्र में एक भाग्यशाली सितारा है, जिसके कारण आप
जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नई तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करें और गलतियां करने से बचें। आज आप कुछ घबराया हुआ सा महसूस कर सकते हैं और अपने विरोधियों और समस्याओं को हल्के में ना लें। शिखर तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग को स्थिर रखें। बिजनेस में बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगाने की जरूरत है। अपनी राजनीतिक संपर्कों को और ज्यादा मजबूत करें, इनसे आपको फायदा होगा। बात करते हैं सेहत की। थकान और तनाव की वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है। उचित आराम और उचित आहार दोनों ही ऊर्जावान बने रहने के लिए जरूरी है। पैर की सूजन या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस भी हो सकता है। आज का उपाय, आज आप भगवान शंकर जी की पूजा आराधना करें, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।